माइटर्स तेरा पापा चुका है लॉस सैंटोस में। डगन, मुझे एक चीज बुलाया यहाँ। मैंने सुना है तुम पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। ये सब छोड़ो, काम की बात पे आओ डगन। गुड गुड, वेरी गुड। काम की बात, $1 million मिलेगा, सिर्फ एक बंदे को मार के ना मिले, बोल एक्सेप्ट करेगा। नाम और पता बोलो, अभी उसको जाके ठोकता हूँ। नाम है माइकल डी सैंटो और एड्रेस मेलिबू मेंशन। तुम्हारा दिमाग सही है गन, वो मेरा फ्रेंड है। $2 million अब। बट वो मेरा फ्रेंड है। $10 million अब बोलो। देखो फाइनल $5 million अब तो मानना ही पड़ेगा ट्रेवर। शिट, मेरा दिमाग काम नहीं। सोचो और सोचो ट्रेवर, ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। हार्ड में गया माइकल, मैं डील को एक्सेप्ट करता हूँ टिकन। साले तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने हमारे गैंग मेंबर्स को छपरी बोल दिया। चल जल्दी से कार में बैठ जाओ वरना तेरे सर पे गोली मार दूंगा। अरे वो तो मस्ती मस्ती में ऐसे ही बोल दिया मैंने छपरी तुम्हारे गैंग मेंबर्स, बट तुम अब सच में छपरी। पहले तो गाड़ी में बैठ, फिर तुझे दिखाते छपरी कौन। हे व्हाट्स अप गाइस, तो कैसे हो गाइस, आई होप आप लोग सब लोग बढ़िया हो गए। तो यार हम लोग फिर से खेलने जा रहे हैं GTA 5 गाइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फाइनली हम लोग ने मेलिबू मेंशन के नज़दीक ही हम लोग कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था जैसे मैंने आपको बोला। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कंस्ट्रक्शन कम्प्लीट हो चुका है एंड मेरा गैरेज बन चुका है। तो यहाँ पर ना आप देख सकते हो, अगर पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो देख लेना। छोटा सा रिकैप दे दो, पिछले एपिसोड में क्या हुआ था। पिछले एपिसोड में एंटेनियो नाम का एक बंदा था, उसको हमने गेम ओवर किया एंड खतरनाक वाला उसका जो बनकर था ना, उसका सारा कार कलेक्शन एंड सोना सब कुछ ना हमने चुरा लिया। तो जाके देख लेना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो था एंड इस वीडियो का लाइक टारगेट है गाइस 1.5K लाइक्स का, आई होप आप लोग कर दोगे। एंड यहाँ पर ना आप देख सकते हो, जस्ट मैंने ये मेलिबू मेंशन के ना थोड़ा साइड में ये वाला गैरेज बनाया है, हम लोग उसको आगे जाके शोरूम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट अभी ना मेरे लिए गाइस जगह नहीं थी मेलिबू मेंशन पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यार खतरनाक खतरनाक, मैंने यहाँ पर जो भी ना पार कर रखे ये देख रहे हो खतरनाक वाली गाड़ी। आपको कैसे लग रहा है मेरे को ज़रूर बताना एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि आज का वीडियो ना भाई बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यार मिस मत करना भाई, आज का वीडियो मज़ा आएगा। एंड यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर मैंने सब कुछ ना पार्ट्स गिर से रखे। तो आपको क्या लगता है, हमको शोरूम खोलना चाहिए? अभी मैंने तो गैरेज ओपन किया एंड मैं सोच रहा हूँ इसको ना शोरूम में वो कर दूँ, बट चलो कोई ना हम लोग देखेंगे। एंड यहाँ पर ना बहुत ही बढ़िया लग रहा है, तीन तीन थार है, इसमें से मेरे को थार बेच देनी है एंड एक ही थार रखेंगे। तो यहाँ पे ना आप देख सकते हो यार ये जी वैगन एंड यहाँ का ना थोड़ा सा ये वाला का इस कंस्ट्रक्शन बाकी है तो वो भी हो जाएगा। तो चलो यार फटाफट से ना इधर से निकलते हैं। एंड आप लोग को मैंने दिया था गाइस कुछ ना चेक पॉइंट जीते यार, इन सबको ना बिग शॉट आउट यार। तुम लोग ने इतने ज़्यादा ना गाइस कमेंट्स किए, देख रहे हो भाई सबको शॉट आउट है, क्योंकि ना सबने मैंने तीन चेक पॉइंट दिए थे पिछले वाले वीडियो में। तो यार सबने टाइप किया 450 कमेंट्स में से ना इतने ज़्यादा लोगों ने कमेंट्स किया सही। कुछ लोग ने किया है, मतलब सब ने किया है, बट उसमें से ना सिर्फ कुछ ही लोग ने तीन चेक पॉइंट टाइप किए, मतलब सबने तो टाइप किया बट किस ने ना एक या दो टाइप किए, इसलिए मैंने उसको शॉट आउट नहीं दे पाया इधर। एंड इतने ज़्यादा लोग कहना यार सबका मैं नाम भी ले नहीं सकता, वरना वीडियो भी 10 मिनट की हो जाएगी। तो यार फटाफट से ना अभी हम लोग को जाना है, एक डील करनी है अभी ना, जो गोल्ड है ना उसको ना अभी मनी में कन्वर्ट करना है। तो अभी फटाफट से हम लोग को जाना है, क्योंकि ना अभी ना यार टाइम हमारे पास नहीं है एंड हमको अभी आज ना कैस कार कलेक्शन जो होता है सिक्योरिटी के लिए वो लेने जाना है, मतलब आज ना हमें लग्जरी जो कार्स होती है ना उनको आज देखने जाना है। तो फटाफट से मैं निकल रहा हूँ इधर से एंड यहाँ पर ना मेरे सिक्योरिटी जो है ना, मेरे सिक्योरिटी जो बनकर है ना, जो अभी एंटेनियो का लूटा है ठीक है ना,
तो वहाँ पे लगा ली, इसलिए यहाँ पर आपको सिक्योरिटी कम नज़र आ रही है, क्योंकि निंजा सिक्योरिटी लगा दी है एंड जो मॉन्स्टर सिक्योरिटी है वो भी वहाँ पर ही लगवा दी। देख रहे हो पहले ना इतने ज़्यादा लोग थे बट अब ना कम हो चुके हैं, क्योंकि ना आधी सिक्योरिटी मैंने बोला तुम वहाँ पर रहना। एंड ये देख रहे हो कल की वीडियो में आपने देखा था हमने तीन तीन लूट के लाए थे भाई साहब, इसमें ना भाई खतरनाक वाला गोल्ड एंड भाई मनी था। हमने मनी तो रख दिया बट जो गोल्ड है ना उसको ना अभी डील में मतलब मनी में कन्वर्ट करना है, वरना इतना सारा गोल्ड था यार उसको रख के हम लोग क्या ही करें, तो फटाफट से उसको कन्वर्ट कर देंगे। एंड यहाँ पर देख रहे हो कैसा लुक लग रहा है, आप लोग एक बार देखो गैरेज में। एंड ये जो मेरे सुपर फास्ट कार है इनको इधर रख दिया हो, तो एक बार बताना मेरे को चैट पे यार ये जो गैरेज है ना ये कैसे बना, एक बार चैट पे सब लोग मेरे को लिख देना यार कैसा लग रहा है इसको, अगर हम लोग शोरूम में कन्वर्ट कर दे के एक बार मेरे को बोल देना। अभी ना यार कंस्ट्रक्शन इतना ही हुआ है, अभी कुछ और थोड़ा काम बाकी है, तो आप लोग बोल देना क्या करना है वो भी हम लोग कर देंगे। तो फटाफट से ना अभी डील करते हैं एंड निकलते हैं। जब तक वीडियो को लाइक कर दो एंड वीडियो को पूरी देखना ना भूले, एंड सब्सक्राइब नहीं करते यार सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड मैं यहाँ पर मिस्टर के को बोलता हूँ यार रेडी हो जाओ, एंड हमको ना इधर से निकलना है एंड फटाफट से हम लोग को डील करने जाना है, तो उसको मैं फटाफट से इससे बातचीत कर लेता हूँ एंड फिर देखते हैं वो क्या कहता है। तो ऑलराइट गाइस यहाँ पे ना सारा मैंने इसको मामला बता दिया है एंड ये बोल रहा है ना ठीक है चलो यार काम हो जाएगा, एंड फटाफट से निकलते हैं। चलो यार अभी इसी वक्त ना वो बंदा रेडी है जिससे हमें डील करनी थी, बट हमें ना गाइस देख के जाना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार ना हमारा सोना यार पुलिस भाई पकड़ ले रही थी, बट अभी ना ये बोल रहा है कि मेरे पास एक शॉर्टकट रास्ता है वहाँ से जाएंगे, वहाँ पर ना पुलिस की नाकाबंदी नहीं होगी, क्योंकि आपने देखा हमने दो बार डील किया है बट पुलिस से बच के किया है। तो अभी ना फटाफट से के को एक सीक्रेट रास्ता पता है, तो वो हमें बताएंगे कि यार वहाँ से हम लोग पुलिस से कैसे बचेंगे, क्योंकि वहाँ पे पुलिस की चेकिंग होती है। आपने अगर मेरे पिछले एपिसोड देखे होंगे तो यार इतने सारे पुलिस के ना होते हैं गाइस चेक पॉइंट्स, मतलब वो क्या करते हैं पूरा ना ट्रक चेक करते हैं एंड भाई सारा का सारा सोना ले लेते हैं गैर कानूनी। एंड चलो अभी ना हम लोग एक बढ़िया सा एक सीक्रेट रास्ता जाएंगे। यार अभी के बोल रहा है ना ये रास्ता ऐसा है वहाँ पर ना कोई भी ज़्यादा लोग नहीं आते, तो हो सकता है वहाँ पर पुलिस भी हो बट कम होंगे। यार पुलिस हो गया ना मामला मतलब गाइस बिगड़ सकता है, समझ रहे हो। पहले यार अभी ना हम लोग कि भाई इतना ज़्यादा गोल्ड है, अगर पुलिस वालों से पहले हमने पिछले वाले ना एपिसोड में पंगा ले लिया था, अभी मुझे लग रहा है ना पुलिस वाले कभी भी हम पर रेड कर सकते हैं, बट कोई ना हमारे पास सिक्योरिटी लगी है, बट पुलिस वालों से पंगा लिया ना यार तो वैसे लोअर हो जाएंगे एंड लॉस सेंटर्स में रहना मुश्किल हो जाएगा। तो चलो फटाफट से ना हम लोग लोकेशन पर मिलते हैं, क्योंकि रास्ता ना बहुत ज़्यादा ही दूर है। ऑलराइट गाइस यहाँ पे ना भाई लगभग एक घंटा हो चुका है एंड इधर यार पता नहीं कौन सा ना एक भाई कच्चे रास्ते पे लेके आ चुका है, मतलब देख रहे हो यहाँ पे तो रोड ही नहीं है यार। यहाँ पर मेरे को सामने पुलिस नज़र आ रही है कि एक सेकंड उतर जाए यहाँ पे, एक सेकंड यहाँ पे ना पुलिस लग रही है मेरे को तो। यार तूने बोला यार पुलिस नहीं होगी, यार मिस्टर के क्या कर रहे हो यार, यार सामने देख रहे हो पुलिस है यार, अभी ना इनसे चेकिंग हो जाए ना यार ये पकड़ लेंगे एंड अपना हेडक्वार्टर पर कॉल करके ना सारे के सारे पुलिस को बुला लेंगे। यार तूने बोला कि यहाँ पे पुलिस नहीं होंगे बट यार यहाँ पे भी पुलिस है, तो यार अभी यहाँ पे कम ही पुलिस है वैसे तो, चलो दो ही वाले हैं। तो भी यार मिस्टर क्या 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 करना है अभी मुझे बोल दे फटाफट से, हम लोग चेकिंग करके आई थिंक सामने जाके ना कुछ करते हैं। एंड मिस्टर के क्या बोल रहा है तू जल्दी से फटाफट से बोल दे, तो यार कुछ कहना चाह रहा है मेरे से, ये कह रहा है मेरे पास एक प्लान है चलो तुम आगे आगे चलो मैं सब कुछ करता हूँ। यार ये क्या बोल रहा है मेरे पास एक प्लान है भाई, यार सामने चलो पुलिस से बात करते, यार ये के क्या हो गया मतलब बात करते मतलब भाई साहब खुद पीछे खड़ा है एंड चल फटाफट जल्दी चल मेरे को आगे सेंड कर रहे हैं, बस बोल रहा है कि तुम चलो आगे। यार ये देख रहे हो यार कच्चे रास्ते मतलब ये जो रास्ता है ना भाई इधर भी पुलिस है, पूरे शहर में ना भाई नाकाबंदी लगी है पता नहीं क्यों यार, हर समय यार ऐसे ही हो रहा है जब भी हम लोग डील करते हैं पुलिस वाले की नाकाबंदी होती है। तो यार ये पुलिस ऑफिसर कम ही है यार मिस्टर के, अभी तेरे कुछ करना पड़ेगा वरना ये हेडक्वार्टर पर कॉल लगा देना, फालतू की पुलिस मेरे को नहीं लगानी अभी, पहले ही पुलिस लग चुकी थी। चलो यार ये पुलिस वाला तो सामने आ रहा है भाई, चेकिंग ना कर ले चेक कर लो भाई, हमारे पास कुछ भी नहीं है बस गन है भाई, गन तो ये मुझे नहीं लग रहा है चेक करेंगे बस को हम लोग बोलते हैं। मिस्टर के बोल रहा है कि इसको ना भाई टॉयलेट आइए मुझे टॉयलेट जाना है, ओ भाई मिस्टर के बोल रहा है ठीक है तुम यार मिस्टर के भाई बोल रहा है ना मेरे को टॉयलेट का रास्ता नहीं मिल रहा है तो हमको टॉयलेट का रास्ता बता दो। एंड ये पुलिस वाला बोल रहा है कि यार देखो ये ना यहाँ खुद नहीं पता है बट तुम ना कोने में जाके कर दो, तो ये बोल रहा है ना हमको एक ओ भाई एक सेकंड, ये ना बोल रहा है कि यार तुम फटाफट से नाटक कर रहे हो मेरा दिमाग आउट मत करो फटाफट से, पहले इतने धूप में ना भाई मैं काम कर रहा हूँ एंड तुम इधर आके बकवास की जा रहे हो। और मिस्टर के बोल रहा है भाई जाने दो वरना यहाँ पे हो जाएगा, यार ये क्या सीन है। चलो यार लग रहा है ना वो मेरे को बोल रहा है कि ठीक है तुम चले जाओ बट तुम इधर ही रहना, यार मेरे पे शक क्यों कर रहा है ये,
वो बोल रहा है सिर्फ एक ही बंदा जा सकता है। तो यार मिस्टर के चल तू चला जा, बट प्लान क्या है मुझे बताना एक बार गाइस, प्लान क्या है मिस्टर के का पता नहीं यार। एक पुलिस वाला उसके पीछे चला गया एंड ये ना इधर ही छोड़ के चला गया है उसको। चलो यार कोई बात नहीं, लग रहा है ना प्लान यही है भाई। अच्छा तो मुझे लग रहा है ना इसको मारना ही पड़ेगा, क्योंकि ना मिस्टर के यार मतलब ये टॉयलेट तो जा रहे हैं, बट उसका मतलब है ना ये हम लोग इसको चुप से मार देंगे पीछे से, फिर ना वो उधर भी मार देंगे। आई थिंक मेरे को यही प्लान लग रहा है मिस्टर के का। यार मुझे ना अच्छा सा मौका लेके इसको मारना पड़ेगा, क्योंकि ये अकेला है भाई, देख रहा है एमपी कर रहा है, क्योंकि ना वो वहाँ पे जाके उसको आई थिंक मार दिया होगा मिस्टर के ने, तो मुझे भी इसको मारना पड़ेगा क्योंकि ये अकेला ही है एंड पूरा सुमसम रफ्ता है। अगर यहाँ पर ना इसका GPS कनेक्ट भी हो सकता है, मुझे नहीं पता हेडक्वार्टर्स में, तो यार अगर कुछ भी गड़बड़ी होती ना तो पुलिस वाले हमारे पीछे आ जाएंगे एंड हमारा सारा सोना ना भाई लग जाएंगे। यार ये मेरे को बस इंतज़ार करना है सही समय का। यार ये अभी ना घूम रहा था बट अब क्यों नहीं घूम रहा है। चलो यार ले भाई एक सेकंड, चाकू निकालता हूँ या बुक्के से मार लेता हूँ, सॉरी ये ले भाई, चल चल निकल साला, मेरे को एम दिखाएगा, इसको पता ही नहीं माइकल कौन है। चल बच्चे निकल साला, लाल बाल करके आया, पता नहीं खुद को क्या समझ रहा है। चलो लगता है ना उसने भी अपना गेम ओवर कर दिया है। अभी मिस्टर के जल्दी से आ जा, मेरे को अभी ट्रक पास करना है अंदर से, वरना पुलिस वाले आ गए ना इधर प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी ना पुलिस मेरे पीछे लगी नहीं है पता नहीं यार, फटाफट से ना भाई डील को कंप्लीट करना है एंड भाई पैसा लेके ना हमको कार खरीदने जाना है, क्योंकि ना हमें सिक्योरिटी के लिए कार्स को गाइस गिफ्ट करना है, मतलब बढ़िया बढ़िया कार जो जो आपने बोला है ना चैट में भाई, हर एक जो बंदे ने मेरे को बोला है हर एक कार ऐड किया हूँ, तो आप लोग मेरे को जो चीज़ बोलते हो वो चीज़ मैं ऐड करता हूँ गेम के अंदर। मतलब आपने जो बोला है हर चीज़ ऐड किया भाई, जो भी कार का नाम बोला ना हर एक कार का नाम मैंने इसमें ऐड किया हूँ। तो यार आप मेरे को बोलते रहना आपकी जो भी फेवरेट चीज़ है वो गेम में मैं ऐड कर दूँगा, मतलब कुछ भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो यार फटाफट से हम लोग यहाँ पर ट्रक पास करते हैं, देखते हैं के का क्या सीन है, वो क्या कर रहा है पता नहीं। ऑल राइट गाइस, यहाँ पे ना के आ चुका है एंड वो बोल रहा है कि यार मैंने उसका गेम ओवर कर दिया एंड तुमने भी गेम ओवर कर दिया। चलो यार वो बोल रहा है तुम ना भी हमारी भाषा समझ रहे हो यार के, मुझे क्या पता भी तेरा प्लान ऐसा है, बट चल मैंने भी उसको ख़त्म कर दिया, मैंने भी सही समय देखा, वरना वो ना भाई मेरी तरफ ही गन मतलब एम कर रहा था, मतलब क्या ही बोले। चल यार सही समय आ गया, मैंने पीछे से वार कर दिया। के बोल रहा है कि यार मैं भी ना कब से यही का वेट कर रहा था, बट चलो कोई ना यार बहुत अच्छा काम हो चुका है एंड फाइनली हम लोग ना सिटी में एंटर हो चुके हैं, क्योंकि हम लोग ना भाई कच्चे रास्ते से आए थे, मतलब देख रहे हो मतलब फाइनली हम लोग टीटी का रास्ता मिल चुका है, क्योंकि वहाँ पे ना एक ही रास्ता होता है, आपको पता है पुल पे ना एक ही रास्ता होता है एंड वहाँ पे चेकिंग चलती है। आई होप कि यहाँ पे पुलिस ना हो भाई, यहाँ पर भी पुलिस होती ना यार ये तो पूरा सिटी में कनेक्ट हो चुका है। चलो फाइनली यार सिटी में हम लोग आ चुके हैं एंड यहाँ पर ही क्या डीलर्स होना चाहिए, सिगरेट डीलर से यार ये ना इधर ही कहीं लोकेशन मेरे को बताई है इन्होंने, चलो फटाफट से इनकी लोकेशन पर जाते हैं। आई थिंक ऑल राइट गाइस, यहाँ पे लगभग आधा घंटा ड्राइव करने के बाद हमको लोकेशन मिल चुकी है एंड लोकेशन ना मेरे को मोबाइल में सेंड तो किया है बट यहाँ पे दिखा रहा है, चलो भाई इधर ही पार्क करनी है। ओके गूगल मैप्स में दिखा रहा है कि यहाँ पर ही है, चलो यार लग रहा है ना मेरे को ये दोनों ही लग रहे हैं। ओके यही है, यही लग रहा है, मैं सिगरेट पी रहे तो यही हो गया यार, इनके चेहरे देख के मैं पहचान लिया कि यार यही लोग डीलर्स हैं एंड हमारा सारा का सारा मनी ना ये ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे, मतलब ये जो है ना वर्कर्स हैं इनका जो भी बॉस है जो भी लिस्टर हमेशा मेरे से डील करवाता है, मतलब वो ये मतलब वर्कर्स हैं, मतलब ये सिर्फ गाड़ी चलाते हैं एंड प्रोटेक्ट करते हैं। तो चलो यार भाई तुमको ना सारा सोना अंदर है अपने बॉस को बोल देना एंड मैंने भी उसको मैसेज कर दो एंड मेरे को पैसा ना ऑनलाइन मिल जाएगा। तो चलो फटाफट से तुम निकलो वरना पुलिस आ जाए, क्योंकि ना पुलिस हर सेंटर्स में निकल मतलब तैनात है। चलो यार ये लोग निकल रहे हैं सोना लेके एंड भाई देख रहे हो ये लोग, मुझे लग नहीं रहा यार घर पे जा पाएंगे। चलो कोई ना, ये बोल रहे ना इनके पास भाई एक्सपीरियंस है, मतलब चलो ठीक है यार ये लोग यार डीलर्स हैं मतलब तो इनके पास कुछ ना कुछ तो होगा ही ना, ऐसे थोड़ी ना ये लोग शॉर्टकट रास्ते मार ही लेके जैसे हमने मारा है। तो यार अभी ना हमको कार का जुगाड़ करना पड़ेगा, अभी ना हमको निकलना है शेख के पास, क्योंकि ना अभी शेख ने आपको पता ही है गाइस जब से शेख आया ना इस लॉस सेंटर्स में यार
इतने खतरनाक कार सस्ते में मिल रहे हैं। मतलब एक सेकंड, आज ना कार चलाए क्या? आज बाइक चलाते हैं, यहाँ पर किसी के बाइक पड़ी है। चलो यार, ये बाइक बढ़िया लग रही है। चलो के बैठ जाओ बाइक पर, बहुत दिनों से बाइक नहीं चलाई है। तो वीडियो को लाइक कर देना गाइस, एंड सारे के सारे बंदे वीडियो को लाइक करो, एंड 1.5 के लाइक्स का टारगेट है। और भाई सब्सक्राइब नहीं करना ही है, भाई सब्सक्राइब कोई करता नहीं, तो यार सब्सक्राइब करो। एंड भाई साहब कमेंट में ज़रूर लिख देना, एंड इस वीडियो का चेक पॉइंट में रख रहा हूँ मनी। पहला चेक पॉइंट है मनी गाइस, एंड इसमें टोटल 4 चेक पॉइंट होंगे। जो भी भाई 4 चेक पॉइंट्स टाइप करेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट मिलेगा। तो यार चेक पॉइंट्स ना एक के मतलब एक ही कमेंट में 4 लिखना, अलग अलग मत करना वरना बहुत टाइम लगता है। तो चलो हम लोग निकलते हैं। ऑल राइट गाइस, यहाँ पे ना हम लोग आ चुके हैं शेक के शोरूम में। आपको पता है गाइस, शोरूम शेक ने ना अभी भी नया नया शोरूम बिजनेस स्टार्ट किया, एंड सुपर कार ना इतने सस्ते में दे रहा है। भाई क्या ही बोले, इतने सस्ते में कोई देता नहीं है। मतलब फुल मतलब बिजनेस चल रहा है, इतना बिजनेस का ओ भाई खतरनाक चल रहा है ना। मतलब सबको पीछे छोड़ दिया है शेख ने, मतलब इतने ज़्यादा गाइस खतरनाक भाई साहब। चलो यार यहाँ पे शेख एंड उसका मैनेजर भी है, वो भाई यहाँ पर ना हम लोग कार देख रहे हो खतरनाक वाले कार से। तो यार हम लोग हमारे सिक्योरिटी के लिए कार देखने वाले भाई। इसके पास ऐसे ऐसे कार से ना मतलब पूरा लॉस सेंटोस में कहीं नहीं मिलेंगे, इसने मॉडिफाइड किया। तो ये देख सक रहे हो रोल्स रॉयस है, आई थिंक, मैं सही नहीं हूँ तो चैट में बताना रोल्स रॉयस है, मेरी ज़बान पिसल रही है आज, सॉरी उसके लिए। एंड यहाँ पर देख रहे हो एक मस्टैंग है, GTS है, GTR है, आई थिंक GTR मस्टैंग है, या हाँ मस्टैंग ही लग रहा है, सॉरी थोड़ा प्रोनाउंसेशन मेरा गलत हो रहा है, पता नहीं। GT मस्टैंग, यस वही है गाइस। भाई देख रहे हो क्या ही लुक है उसका, बहुत ही बढ़िया लुक है, मतलब OP यार। आपको कैसे लग रही है बताना। आई थिंक यार ये GT वाली कार ना बहुत बढ़िया है, बट ये जो कार है ना ये बहुत ज़्यादा ही महंगी बता रहा है ये। मतलब यार टोटल गाइस $5 मिलियन की कार है भाई, कुछ ज़्यादा ही महंगी नहीं हो गई। एंड ये जो कार है भाई साहब देख रहे हो, ये बोल रहे हैं आपको जो चाहिए देख लो आप अपने खुदा को से। भाई ये क्या सुपर कार है, बट हमें ना सिक्योरिटी के लिए चाहिए थी गाइस, समझ रहे हो। मतलब अभी सिक्योरिटी के लिए हम लोग इतनी महंगी कार लेंगे ना तो यार हम लोग रोड पर आ जाएंगे। एंड ये देख रहे हो भाई ये कौन सी कार है, एक बार मेरे को चैट बताना। ये मर्सिडीज है, ऑडी है, पता नहीं, सॉरी ये ऑडी है आई थिंक, इस पर नाम तो लिखा है ऑडी बट पता नहीं, ये तो नॉर्मली लग रही है मेरे को। चलो यार ठीक है ना, मेरे को इतना कार के बारे में नॉलेज नहीं है गाइस। एंड ये बुगाटी है मेरे हिसाब से, चलो यार ये भी बहुत महंगी है, ये तो टोटल बता रहे हैं, ये बता रहे टोटल ये $20 मिलियन की। भाई इसमें ऐसा क्या है $20 मिलियन भाई, इतनी महंगी कार, बट इसमें तो सिर्फ दो ही सीटर है, सिर्फ दो ही सिक्योरिटी गार्ड्स आएंगे। भाई हमें ऐसी गाड़ी बताओ यार शेख जिसमें ना टोटल 4 या 6 लोग बैठ सके, मतलब समझ रहे हो। तो मैनेजर साहब बोल रहे हैं कि आप देखो यार आपको ना जो सस्ता लगे हम सस्ते में दे देंगे, क्योंकि ना हमने इनकी बच्चे की जान बचाई थी आपको याद ही होगी। और ये तो भाई 1 सीटर है यार, ये क्या दिखा रहे हो, बट ये बोल रहे हैं ना आपको चाहिए तो आप भी ले सकते हो। यार मेरे पास पहले ना भाई खतरनाक वाली सुपर कार है, आपने जो दी थी गिफ्ट वही अच्छी है। एंड यार ये भी बढ़िया है, बट भाई फ्यूचर में जाके लेंगे, इसका नाम देख रहे हो गाइस खतरनाक है भाई, ये भी लैम्बोर्गिनी जैसी है। और ये देखो ये ओल्ड वर्जन है लैम्बोर्गिनी का, चलो यार ये भी बढ़िया ही है गाइस। मतलब भाई ऑल राइट गाइस, यहाँ पे तो मैं देखा ही नहीं, ये देखो लैम्बोर्गिनी सियान। एंड भाई साहब ये कार के बारे में बहुत नाम सुना है मैंने, एंड इसकी प्राइस बता रहा है ये $100 मिलियन की। भाई ऐसा क्या है इसमें यार, कोई बताना मेरे को ये कार में ऐसा क्या है $100 बिलियन भाई। ये बता रहे ना इसको बड़े बड़े लोग यूज़ करते हैं यार, इसमें ऐसा कुछ तो नज़र नहीं आ रहा यार शेख, यार इतनी महंगी क्यों दे रहे हो, सिर्फ 2 सीटर तो है इसका। इनका कहना है कि बहुत ज़्यादा ही फेमस है एंड इसको ना ज़्यादा ही लोग पसंद करते हैं। एंड भाई साहब चलो यार बड़े बड़े लोग हैं। और ये गाइस सीविक है आई थिंक, मेरे हिसाब से ये ना सीविक लग रही है, ये कौन सा मॉडल है बट सीविक इसका नाम है, इतना मेरे को याद है सीविक ही है। चलो यार ये भी बढ़िया लग रही है, तभी ना मैं कौन सी कार चूज़ करूँ, बट हमें ना बढ़िया कार चाहिए, जैसे डिफेंडर हो गई एंड लैंड क्रूजर हो गई, रेंज ओवर हो गई, ये कार यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। और ये देखो गाइस मस्टैंग है आई थिंक, ये भी मस्टैंग ही है जो हमने पहले चेक की थी GT, हाँ ये वही है गाइस, इसका कलर आई थिंक उन्होंने वो किया है। ये बोल रहा है ये भी टोटल आपको मिल जाएगी गाइस $25 मिलियन में। भाई साहब यार ये कार तो यार चलो ठीक ही है, और ये बुगाटी है एंड वही वर्जन में, बट इसका डिज़ाइन कुछ अलग है भाई। ये ना
बढ़िया लग रहा है यार, ये शोरूम जो खोला है ना यार शेख ने, भाई साहब पूरा लॉस सेंटर्स में सबका ही नुकसान हो रहा है। अभी ना शेख के भाई इतने ज़्यादा दुश्मन हो गए ना, वो खुद बोल रहे हैं कि यार चोरी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, पैसा चोरी हो रहा है, अटैक तक हो रहा है। तो यार इतने सस्ते में गाड़ी देंगे तो अटैक हो गए एंड भाई सबको ही ना। भाई ये कार देखो यार, ये कार तो अमेजिंग है भाई। एंड ये कार का प्राइस बता रहे $60 मिलियन। यार ये कार का डिज़ाइन मेरे को बहुत ज़्यादा ही पसंद आया, बट हमें तो, मैं भूल ही गया, मैं सिक्योरिटी के लिए कार लेने आया हूँ। एंड अगर हम लोग इतना महंगा लेंगे ना तो भाई इतनी महंगी कार तो अपने पास तक नहीं है। तो यार चलो कोई ना, अभी मैं सारा कार सेलेक्ट करने वाला हूँ। भाई साहब देख रहे हो ना क्या ही कार है, तो आपको कैसे लग रही है क्या बताना। अगर आप लोग भी बोलते हो कार लेनी चाहिए तो हम लोग ले लेंगे, अगर आप बोलते हो तो आप लोग भी अपने फेवरेट कार का नाम ज़रूर बताना, वो मैं ऐड कर दूंगा। आपने पहले जो बोला था वो मैंने ऐड कर दिया। और ये इसका दूसरा वर्जन है, इसके पीछे से ना कुछ निकल आया डिज़ाइन। यार ये भी सही है यार, ये भी एक नंबर सही है, बट ये उसके जो वाली ये भी सही है। एंड ये फरारी है ना मेरे हिसाब से, नहीं ये फरारी तो नहीं है इसका, नहीं ये फरारी नहीं है, पता नहीं है कौन सी कार है, बट इसका नाम तो भाई इनको भी नहीं पता। ये बोल रहा है कि यार हमें खुद नहीं पता यार, मैनेजर अभी, मैनेजर कहाँ आ गया, इनका मैनेजर तो सामने ही है, मैनेजर भी नाम भूल गया है, चलो कोई बात नहीं। एंड ये भी बढ़िया कार है भाई, ये तो मेरे को पुराना वर्जन लग रहा है, इसको छोड़ देते हैं, इतनी खास नहीं लग रही है, बट कलर बढ़िया है इसका ना, देख रहे हो मतलब चमक रही है एकदम भाई, मस्त है यार। MT80 कुछ नाम है। ओह भाई ये देख रहे हो ब्लैक, यार सही में यार ये वाली कार भी ना बढ़िया है। ये तो बहुत सस्ती है, ये तो $15 मिलियन में मिल रही है यार, इतनी सस्ती कार कैसे मिल सकती है यार, मतलब इसका डिज़ाइन देखो यार, इतनी सस्ते में कैसे मिल रहा है, लग रहा है इन्होंने इसको मॉडिफाइड करवाया गया। चलो इसमें एक बार बैठ के देखते हैं, यार सही है यार एकदम, बिल्कुल ही सही है, एकदम ही सही लग रही है, देख रहे हो ना गाइस, मतलब क्या ही बोले, एकदम बढ़िया है यार, मतलब झक्कास है, आवाज़ भी बढ़िया है एंड सब कुछ बढ़िया है। तो यार ये तो बुगाटी है भाई, ये वाली बुगाटी पसंद आई मेरे को। और ये भाई लैम्बोर्गिनी, यार ये जो वाली लैम्बोर्गिनी है ना भाई बहुत ही ख़तरनाक लग रही है, देख रहे हो मतलब क्या ही डिज़ाइन है यार, ये तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया वाला डिज़ाइन है इसका भाई। अंदर से इंटीरियर देखो इसका भाई, अंदर से इंटीरियर ना भाई मस्त है। एंड ये टोटल बता रहा है $75 मिलियन की है भाई, ये तो कुछ ज़्यादा ही प्राइस बता दिया यार, $75 मिलियन कुछ ज़्यादा नहीं हो गया इसका भाई। कलर एंड डिज़ाइन ना बहुत पसंद आया मेरे को, ये लैम्बोर्गिनी है भाई, कितना ज़्यादा प्राइस है। एंड ये मेरे को पता नहीं यार, ये भी गाइस कुछ, अरे यार तुमको बोला है मैनेजर यार हमको ना सिगरेट के लिए कार चाहिए, मेरे लिए नहीं चाहिए यार, ये बोल रहे ना आप देखो यार, अब क्या करें यार, वो बोल रहे ना हमारे पास एक और गैरेज है, आपको पीछे वाला गैरेज पता चल जाएगा, जो भी सस्ते कार है एंड जो भी कार है ना एक और ऊपर है, वो बोल रहे हमारा टोटल ना अभी और है, मतलब टोटल 3-4 शोरूम है यार। सही है यार इनका गाइस, मतलब बढ़िया सीन है, मतलब देख रहे हो ना। चलो यार पीछे वाला गैरेज दिखा दो, मतलब पीछे वाला शोरूम, उसमें देखते हैं गाइस, अभी ना ये कार लेंगे ना हम लोग तो मेरे को लग रहा है कि हम लोग हर सिगरेट के एक ही कार दे पाएंगे। चलो यार लगता है हम लोग रियल शोरूम में आ चुके। ओ भाई ये देख रहे हो, ये चाहिए था हमने को, गैंगस्टर वाली फीलिंग आनी चाहिए हमारी जब सिक्योरिटी बैठेंगे ना। ओ हाँ ये गाइस बुलेट प्रूफ है गाइस, एंड इसके ऊपर से भी हम लोग निकल सकते हैं एंड अटैक कर सकते हैं, बट ये कार भी ज़्यादा ही महंगी बोल रहे हैं यार। ये कार में ऐसा क्या है जो $50 मिलियन में बेच रहे हैं यार, कुछ शेख ज़्यादा ही प्राइस है आपके पास एंड आप बोल रहे हो यार सस्ते में मिलता है, पूरा लॉस सेंटर्स में हिला के रखा है आपने। चलो ये वाली कार भी बढ़िया लग रही है, इसमें तो ये बोल रहा है कि इसमें ना हैकिंग वाला सब कुछ है, इसमें आप हैकिंग विकिंग कर सकते हो बैठे बैठे। यार भाई क्या बोल रहे हो भाई, ये वाली कार तो अपन को लेना है यार, हैकिंग मतलब अपने पास एक पर्सनल हैकर भी होना चाहिए, कब तक हम लोग लेस्टर की हेल्प लेंगे यार। तो क्या बोलते हैं हमको लेस्टर की यार, बट लेस्टर तो हमारे पास है, इसके अंदर ना सारा कंप्यूटर सिस्टम है यार, ये भी बढ़िया है, बढ़िया है यार ये वाली कार, बट हमारे पास खुद का हैकर अभी नहीं है, हमारे पास अभी लेस्टर है, तो यार कोई बात नहीं, ये तो हमको पता है, ये तो हमारे पास एक गाड़ी ऑलरेडी हमने चुराई थी बट कोई ना यार। और ये देखो गाइस डिफेंडर है आई थिंक, ये
ये डिफेंडर है, यस ये वाली डिफेंडर है भाई। ये वाली कार ना मेरे को बहुत बढ़िया लग रही है, मतलब इसका जो डिज़ाइन है ना एकदम ओपी लेवल है, देख रहे हो ना, मतलब क्या ही बोले, डिफेंडर ही है गाइस, मैं सही गया, क्योंकि मुझे इतना नॉलेज नहीं है कार्स के बारे में, क्योंकि ना आपको पता ही है माफिया वाली लाइफ है यार, आप लोग इतना ध्यान देते नहीं है, डायरेक्ट ठोक डालते हैं कौन सी भी कार हो, फिर इतना हम लोग नहीं देखते। बट चलो यार, आज हमको गिफ्ट करना है सिक्योरिटी गार्ड्स को, तो यार इतना तो करना पड़ेगा। चारों के चारों बैठ गए, मेरे को बस आवाज़ सुननी थी इसकी एंड चेक करना था। यार ये कार ना बहुत ज़्यादा स्पीड है इसकी, ये कार की ज़्यादा स्पीड है, बहुत ज़्यादा, ये कह रहे हैं ना सुपर कार से ज़्यादा स्पीड है इसकी। एंड ये रहा लैंड क्रूज़र, यार लैंड क्रूज़र को चेंज कर दिया क्या इन्होंने, मतलब कलर गिलर, मतलब चलो ठीक है, बट इसके सामने डिफेंडर के सामने लैंड क्रूज़र ना हल्की लग रही है मेरे को ना भाई, डिफेंडर ही पसंद आ रही है, आप लोग को क्या लगता है? और ये रही हमारी रेंज रोवर है, आई थिंक ये वाली रेंज रोवर है, चलो ठीक है यार, ये भी मेरे को बढ़िया है, मतलब ये तो नॉर्मल लग रही है। बट चलो यार, आप लोग के कमेंट्स आ रहे थे कि आप बोल रहे थे ना रेंज रोवर लो, एंड तो यार चलो यार ये वाला ना फाइनल कर लेते हैं। चलो यार इधर ना एक बार मैं देख लेता हूँ एंड क्या सीन है, चलो ये भी बढ़िया है, और भाई इसको एक बार बैठ के देख लेते हैं अंदर ना क्या सीन है। चलो यार सारे के सारे बैठ चुके हैं अंदर, एंड एक बार इसका इंटीरियर देख लो यार, इंटीरियर इतना खास नहीं है, ओल्ड टाइप का ही है, बट चलो ठीक है यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट आप लोग बोल रहे हो रेंज रोवर लो, तो यार इसकी पता नहीं कौन सा मॉडल बोला है आपने, ये पता नहीं कौन सा मॉडल ला के रखा है इन लोगों ने। और यहाँ पर एक और कार है, और ये वाली कार का कुछ काम चालू है। अच्छा इसका ना ये आर्मी का लग रहा है, ये कह रहे हैं ना अभी इस पर काम चालू है, इसको हम सेल नहीं करेंगे क्योंकि ना हम लोग इसको मॉडिफाइड कर रहे हैं बहुत ज़्यादा ही बुलेट प्रूफ। चलो यार ठीक है यार, कोई बात नहीं। एंड ये वाली कार भी डिफेंडर ही है, इसका भी ब्लैक वर्जन में, मतलब इसका कुछ अलग है। और ये मैबैच आई थिंक मेरे हिसाब से, ये भी बढ़िया कार से, ये भी आपने बोला था कमेंट सेक्शन में, ये भी ऐड किया हो, एंड जितने भी आपने कार बोले थे सब कुछ इसमें डाल दिया हो, एंड कुछ 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 बंदों के रह गए, तो यार उनके लिए भी हम नेक्स्ट वीडियो में डालने की कोशिश कर दूंगा। बट आज के लिए हम जितने आइडिया ऐड की व्हीकल्स ऐड किए, तो यार ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। चलो यार अभी मैंने सारा ना मैंने डिसाइड कर लिया क्या क्या चूज़ करना है, आपको दिखाता हूँ, अभी नहीं दिखाएंगे आपको, डायरेक्ट गैरेज पे दिखाएंगे मैंने क्या क्या चूज़ किया है, ठीक है ना। अभी मेरे को तो गाइस पसंद आ गए सारे के सारे कार्स, और ये वाले बढ़िया डिफेंडर, एंड ये कह रहे ना इस पर अभी काम चालू है, तो चलो यार कोई ना काम कर लो यार इस पर, मतलब ठीक है मॉडिफाइड कर रहे हैं लोग भाई साहब, बढ़िया चीज़ है। तो अभी फटाफट से मैं इनको बोल देता हूँ हमें कौन कौन सी कार पसंद आई है, एंड ना फिर वो हमें डिलीवरी कर लेंगे। तो यार कसम से यार ये जो कार है ना भाई बहुत बढ़िया लगी मेरे को, और लैम्बोर्गिनी सियान लेनी है, लेनी है मतलब लेनी है यार, $100 million जितने बोला है ना सब कुछ दे देंगे, बट ये कार लेनी है भाई हमको कैसे भी करके ना, लैम्बोर्गिनी सियान लेनी है, ये तो भाई फाइनल है। तो चलो ना अभी यार फटाफट से हम लोग इनको फाइनल बोल देते हैं कि क्या सीन है, एंड ये मैनेजर आ चुकी है इनकी, और सब कुछ इससे लिखवा लेंगे भाई साहब, फटाफट से लिख दो हमारा जो भी कलेक्शन है ना सिक्योरिटी के लिए, मतलब चलो ऑल राइट गाइज, यहाँ पे मैंने सारा उसको बातचीत में बोल दिया, एंड वो कह रहे हैं ना सब कुछ हो जाएगा। तो चलो फाइनली डील हो चुकी है शेख से, एंड और फटाफट से ना यहाँ पे हम लोग चलो यार मिल लेते हैं और इधर से निकलते हैं, क्योंकि ना भाई सस्ते में डिस्काउंट भी दिया है, बहुत ज़्यादा वाला डिस्काउंट यार, मज़ा ही आ गया, डिस्काउंट दिया है क्योंकि ना हमने इसके गाइस जो बच्चा था इसकी जान बचाई थी। और ये वाली कार तो मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा ही पसंद आई है, तो ये वाली कार भी मैं ज़रूर लूँगा, और बाकी की कार आपको शोरूम में बताएंगे। तो चल फटाफट से निकलते हैं के, और अपने ना निकलते हैं फटाफट से यहाँ से। और गाइस आप लोग वो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर दो। और गाइस आपका नेक्स्ट चेक पॉइंट मैं आपको दे रहा हूँ इस वीडियो का, GTX लिख देना नेक्स्ट, सेकंड चेक पॉइंट यही है GTX। चेक पॉइंट सारे के सारे एक ही कमेंट में लिखना, चार होंगे चेक पॉइंट्स, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। फटाफट से मैं निकलता हूँ लोकेशन के ऊपर, 1.5K लाइक्स का टारगेट है, आई होप आप लोग कर दोगे, एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। ऑल राइट गाइस, चलो फटाफट से हम लोग ना इधर से निकल रहे हैं, एंड भाई साहब इधर देख रहे हो, चलो फटाफट से इधर से निकलना पड़ेगा। एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, मैंने बोल ही दिया है। और गाइस कमेंट सेक्शन में आपको जो भी चाहिए ऐड करने के लिए वो मैं ऐड कर दूंगा, आप लोग बोलते रहना, ठीक है। हम लोग
ऑल राइट गाइस, अभी ना मेरे को कॉल आई थी फ्रैंकलिन की एंड बोल रहे ना जल्दी से मेरे पास आ जाओ एंड मेरी हेल्प करो, मैं एक प्रॉब्लम में फंस चुका हूँ यार। ये क्या कह रहा है फ्रैंकलिन, कब से प्रॉब्लम में फंस गया, वरना मैं उसकी हेल्प लेता हूँ यार। आज उसने मेरे को कॉल किया है एंड बोल रहे कि जल्दी से ना स्ट्रीट पे आ जाओ, गुरु स्ट्रीट होता है पता नहीं यार ये स्ट्रीट जगह का नाम है, एंड वो बोल रहा ना जल्दी से इधर आओ एंड मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो चुकी है एंड उसका एक फ्रेंड है लेमार बोल के वो ना किडनैप हो चुका है। यार फ्रैंकलिन, चल यार आज फ्रैंकलिन की हेल्प करेंगे, वरना उसने मेरी हेल्प की थी, आपको याद है जब अमेंडा किडनैप हुई थी तो उसने मेरी बहुत ज़्यादा ही हेल्प की थी एंड डगन बॉस को हराने में मेरी हेल्प की थी। चलो आज ना हमारी बारी है, तो यार फ्रैंकलिन बोल रहा है चलो उससे बातचीत करते हैं, देखते हैं वो क्या कहता है, लग रहा है ना ज़्यादा ही बड़ी वाली प्रॉब्लम हो गई इसलिए उसने मुझे बुलाया। सो ऑल राइट गाइज, यहाँ पे ना बातचीत हो चुकी है एंड वो कह रहा है कि ना उसका फ्रेंड को यार किडनैप कर दिया बैलास के गैंग ने। यार बैलास गैंग खतरनाक होती है बहुत, तो यार मिस्टर के तुम क्या करो, अपनी सिक्योरिटी को बुलाओ यहाँ पर एंड हम लोग ना दोनों को कार में, मतलब दोनों गाड़ी में जाके निकलते हैं, तुम सिक्योरिटी वालों को बुला लो, अपनी SPG सिक्योरिटी, क्योंकि ना हम लोग SPG से अटैक करेंगे अगर खतरा हो गया ना, अगर बैलास गैंग है यार, बैलास से मतलब पंगा ले रहे हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो चल यार फ्रैंकलिन वो ना कॉल पे बात कर लेगा जब तक अपन लोग निकलते हैं एंड वो ना अभी बातचीत चल रही है, तो यार सारे के सारे हमारे SP की सिक्योरिटी आएंगी एंड बैलास गैंग पे देखते हैं अभी कैसे अटैक करना है क्या करना है। पहले ना मेरे को जगह देखने दो, क्योंकि बैलास गैंग की जगह मैंने खुद नहीं देखी है। तो आप लोग को क्या लग रहा है, फ्रैंकलिन मेरे को फंसा तो नहीं रहा ना? फ्रैंकलिन को यार मैं बहुत दिन से मिला नहीं, उन्होंने अचानक से मेरे को फ्रैंकलिन ने बोला है कि ना मेरी हेल्प करो, क्योंकि मुझे ना यार शक हो रहा है कि फ्रैंकलिन ना मेरे साथ धोखा कर सकता है। तो यार फ्रैंकलिन बोल रहा ना यहाँ पर आप लोग हेलमेट लगा लो, क्योंकि ये लोग ना अब मुझे देख लिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और यहाँ पर ना सारे के सारे बैलास गैंग के बंदे रहते हैं, आप देख रहे हो पूरी ही स्ट्रीट है यहाँ पर। एंड मुझे ये देख के ना सैन एंड्रियास की याद आ गई, मतलब ये सैन एंड्रियास ये लोकेशन का नाम, बट यार मैं ना GTA 5 में इधर आया नहीं हूँ यार। यहाँ पर सारे के सारे ना इनके पर्पल कलर की गैंग होती, देख रहे हो हर एक जगह पर यार, ये सही है। तो फ्रैंकलिन कह रहे हैं ना यहाँ पर रुका दो एंड हमको लेमार यहाँ पर ही किडनैप है। चल यार फ्रैंकलिन ना भी हम लोग को हमारी SPG सिक्योरिटी आती होंगी, जब तक आप लोग लाइक कर दो वीडियो को गाइस 1.5K लाइक्स करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और क्या क्या ऐड करना चाहिए ज़रूर बता देना। ऑल राइट गाइस, यहाँ पे ना हमारी फाइनली SPG सिक्योरिटी आ चुकी है एंड भाई देख रहे हो बिल्कुल इन्हें गाइस खतरनाक वाली एंट्री की है यार। मिस्टर के भी आ चुका है कार में बैठ गए, तो यार अभी ना फटाफट से हम लोग जाएंगे एंड सारा वेस्ट की स्पेन लिए एंड फटाफट से ना अटैक करते हैं बैलास गैंग पे एंड लेमार की हेल्प करेंगे, और लेमार को किडनैप किया है तो यार फटाफट से बचा लेंगे। तो चलो यार फटाफट से SPG सिक्योरिटी तुम आगे चले जाओ और हम लोग आपके पीछे पीछे। सो ऑल राइट गाइस, यहाँ पे हम लोग घुस चुके। ओ भाई साहब यहाँ पर इतने सारे कार हैं ना, अरे आराम से यार के गाड़ी को क्या कर दिया। एंड ये लोग तो भाग रहे, कुछ लोग भाग रहे बैलास गैंग के यार, ये बैलास को भाई कुत्ते के हमारा देखा आप लोग ने, वो हवा में उड़ रहा था। एंड चल भाई तू भी ले ले, चल बेटा तू भी जा। एंड यहाँ पे तो कोई नज़र भी नहीं आ रहा है फ्रैंकलिन, यार ये क्या मजाक था क्या कोई? यार मैंने SPG सिक्योरिटी को बुला लिया यहाँ से, मेरा मेली भी मेंशन पे प्रोटेक्शन से मतलब वापस है। चलो यार यहाँ पे ना खतरनाक वाली इनकी धोती खोल रहे हैं हम लोग। चलो यार बैलास गैंग तो भाई मतलब है कि नहीं यार, यहाँ पर इतने सारे लोग थे। फ्रैंकलिन यार कॉमेडी कर दी, फ्रैंकलिन ने हमारे साथ कॉमेडी कर ली यार, इधर कोई नज़र भी नहीं आ रहा है। चलो इनके कार ना डिस्ट्रॉय करते हैं भाई, इनके कार ना पर्पल कलर है, पता नहीं ये पर्पल कलर इनका क्या सीन है, लगता है ज़्यादा ही मन कलर को ये लोग, पता नहीं क्या कुछ इनका गैंग का सिंबल है। एक सेकंड यहाँ पे कुछ भाई फायरिंग हो रही है भाई, कहाँ से अटैक हुआ रहा है भाई, अचानक से कहाँ से आ गए बैलास गैंग के बच्चे। भाई फ्रैंकलिन तो कवर में ना, वरना तेरा कुछ हो गया ना प्रॉब्लम हो जाएगी। चल भाई इनको भी ले लिया फटाफट से, पर उधर से फाइट हो रही थी क्या? चलो SPG OP, चल यार ख़त्म है भाई, तू भी ले ले, चल चल बेटा पिस्तौल से मार रहे हैं हमको, पिस्तौल से भाई देख रहे हैं, हमारे पास खतरनाक खतरनाक वाले गन्स है, राइफल्स है एंड फुल वेस्ट, इनके पास ना ही वेस्ट ना ही कुछ बढ़िया वाले गन्स है, सिर्फ पिस्तौल लेके अटैक कर रहे हैं बैलास गैंग। लग रहा है ना बैलास गैंग कुछ ज़्यादा ही गरीबी में अभी जी रही है। चलो कोई बात नहीं यार, इतना सारा पैसा लूटा है बट इनके पास ना घर तक नहीं है, छोटे छोटे घरों में रहते हैं ये लोग।
चलो यार खत्म है यार, अभी ना मेरे को लैमार को ढूंढना है। लैमार को कहाँ किडनैप किया फ्रैंकलिन, तेरे को क्या लग रहा है इधर ही कहीं होगा यार? सब कुछ तो मेरे को ना इधर सब कुछ सही लग रहा है। फ्रैंकलिन एक बार तो ढूंढ ले किधर है तेरा फ्रेंड लैमार। भाई इनके सारे के सारे कार्स ना बेच दे गया। नहीं यार ये हम बेच नहीं सकते गाइस, इनके ना सिंपल लगे हुए, अगर इनको हम सेल भी करेंगे तो कोई लेगा नहीं, क्योंकि ना बालाज गैंग से कोई पंगा लेना नहीं चाहेंगे, क्योंकि ना ये कार हम लोग अगर सेल भी गए ना कोई रिफ्यूज़ कर लेगा। तो यार हमको ना अभी फटाफट से ढूंढना है कि यार लैमार है कहाँ पर। भाई घरों में से ना बंदे ना निकल जाए, क्योंकि हमने घर चेक नहीं किया, अभी घर से ना बंदे भी निकल सकते हैं। तो यार कहाँ पर, यहाँ पे आवाज़ तो आ रही है मेरे को, एक सेकेंड फ्रैंकलिन इधर आ, एक सेकेंड यही है क्या कोई? देख इसको मैं मारना तो एक बार देख ले तू, क्या यही लैमार तो नहीं है? इसको ना हाथ बांध के रखा है। फ्रैंकलिन कह रहा है यही लैमार है। यार मैं तो उसको मारने वाला था, बढ़िया हो। एक सेकंड ये कहाँ से निकला है भाई टकलू? साला जॉनी का बच्चा, चल निकल तू भी चल। भाई ये क्या ही मारा है एसपीजी यार, खतरनाक वाला फायर करते ना एसपीजी वाले यार, सीधा ही मतलब बंदा हवा में उड़ जाता है गन से यार, मतलब क्या ही बोले यार। वेट गाइस इसको हम लोग फायर अनटाई कर देते हैं एंड इसको छुड़ा देते हैं। ऑल राइट इसको ना हमने गाइस फाइनली बचा लिया है, एंड चल लैमार तू भी अभी हमारे गैंग में शामिल हो जा, मतलब मजाक कर रहा हूँ, गैंग में हमारी जगह नहीं है। चल फ्रैंकलिन तेरा काम तो हो चुका है, अभी ना हम लोग निकलते हैं हमारे मेलवी मंजन पर। अभी ना शेख ने आई थिंक ट्रांसपोर्ट कर दिया होगा, एंड आज ना गाइस बढ़िया वाला दिन है। एक सेकंड ये क्या कर रहा है इधर, क्योंकि ना आज हमारे सारे दुश्मन मर चुके हैं। ऑल राइट यार ये क्या हो रहा है यार, ये बालाज गैंग के बंदे अभी भी आ रहे हैं भाई, देख के रहना, ये कुत्ता मेरे पे अटैक कर रहा है यार। ये बालाज गैंग के कुत्ते भी इतने खतरनाक है यार, यहाँ से कोई लड़की की आवाज़ आ रही है। एक सेकंड यार ये एक और लड़की को किडनैप किया है इधर, अरे इधर आना कोई है, लड़की कौन है? इसको भी आई थिंक मैं छुड़ा देता हूँ फटाफट से। यार ये कौन है, इसको ना एक बार छुड़ा देना पड़ेगा गाइस। सो ऑल राइट इसको ना हमने छुड़ा दिया है, एंड ये बोल रहा है कि मुझे भी बालाज गैंग ने ना किडनैप किया दो दिन पहले, एंड ना मैं हैकर हूँ। भाई सब ये हैकर है भाई, इसका कहना है कि ये हैकर है, एंड मैंने इनकी टेक्नोलॉजी कुछ मतलब ना इनकी लोकेशन मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है उसको निकाला था, एंड इन्होंने मेरे को किडनैप कर लिया। मतलब यार हैकर को ही किडनैप कर रहे हैं यार, चलो कोई बात नहीं। एंड फटाफट से हम लोग निकल जाते इधर से। तो यार तुम लोग ना अभी अलग अलग कार में जाओ। एक सेकंड यहाँ पे, एक सेकंड ये बालाज गैंग के बंदे फिर से आ गए। लो यार फिर से ना ये लोग आ चुके हैं। चल कोई बात नहीं, हमारे पास एसपी की सिक्योरिटी है तो कोई बाल बिका भी नहीं कर सकता। गजब है भाई, ये देख रहे हो इसकी हिम्मत, देखो डायरेक्ट कार को अंदर ही ला रहा है, लग रहा है इसको मौत से ना डर नहीं लग रहा है। चल बेटा तू भी निकल, चल चल निकल। ऑल राइट इसको भी निपटा देंगे। यार ये पंगा कैसे लेते हैं, अपने पास इतनी खतरनाक वाली सिक्योरिटी है, एंड ये सस्ते वाले गन लेके ना हमको मारने चले आए। चलो कोई ना, ये सबसे मेरे को लोवेस्ट वाली गैंग लग रही है। आपको क्या लग रहा है चैट पे बताना। बालाज गैंग इतनी तगड़ी मेरे को लग नहीं रही, तगड़ी तो है बट हमारे पास ज़्यादा ही खतरनाक वाली सिक्योरिटी होने के कारण आई थिंक मेरे को लो लग रही है। तो चलो यार एक ही सेकंड में पूरा स्क्वाड खत्म, मतलब देख रहे हो सिर्फ 5-6 लगे हमारे, ये क्या है? चल बेटा तू भी ले ले, मतलब कितने लोग सारे मर गए, इनके पास ना ही वेस्ट है ना ही कुछ है। चल फ्रैंकलिन अभी ना बहुत ज़्यादा ही हो चुका है, अभी मेरे को इधर से निकलना है, अभी मेरे पास भी बहुत ज़्यादा ही काम है, एंड मेरे और भी कंस्ट्रक्शन वाला काम करना है मेलिबू पर, एंड ना भाई कुछ रनवे बनाने के सोच रहा हूँ, बहुत कुछ करना है। तो यार फटाफट से ना तेरी हेल्प हो चुकी है, और हम लोग हमारी जगह पे निकलते हैं, तू अपना चल। चलो यार सारी की सारी सिक्योरिटी के हमारे गाड़ी में बैठ जाओ फटाफट से, टाइम नहीं है भाई साहब, पहले इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया ना, आज दिन भर फायर ही है, मेलिबू मेंशन पर जाना ही नहीं हुआ। सो ऑल राइट गाइस, चलो हमारे सारे के सारे एसपीजी सिक्योरिटी वाले बैठ चुके हैं, एंड के तू भी बैठ जाओ। और ये लड़की बोल रही क्या, हम भी ना मैं तुम्हारे लिए काम कर सकती हूँ, तुमने मेरे लिए जान बचाई तो मैं ना तुम्हारे लिए काम करूँगी। तो यार वैसे मेरे को हैकर चाहिए था, मैंने आपको बोला था। तो यार देख रहे हो हमारे पास ना हैकर भी आ चुका है, मतलब आज का दिन तो यार चलो बढ़िया है, ना दुश्मन बचे ना ही कुछ, क्योंकि एंटेने को हमने मार दिया है, एंड भाई बढ़िया वाला सीन हो गया, अभी लग रहा है बढ़िया वाली ज़िंदगी जाएंगी। बट माइकल है यार, माइकल के लाइफ में कुछ भी हो सकता है, आपको पता है। तो यार वीडियो को अभी तक आप यहाँ तक देख रहे हो,
तो सारे के सारे बंदे चैट पे बालास लिख देना, ये तीसरा चेक पॉइंट होगा इस वीडियो का। तो यार बालास लिख देना, मैंने 3 चेक पॉइंट दे दिए, जो भी सारे चेक पॉइंट्स एक ही कमेंट में टाइप करेगा उसको नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट मिलेगा। तो यार ट्राई करना कि एक ही कमेंट में सारे के सारे चेक पॉइंट ऐड करना, क्योंकि वैसे फ़िल्टर करने में बहुत टाइम लग जाता है। चलो फटाफट से ना मेरी भी मेंशन पर निकलते हैं। ऑल राइट गाइस, यहाँ पे ना हम लोग आ चुके हैं हमारे मेले भी मेंशन पर। और चलो यार यहाँ पे ना लग रहा है अभी तक गाड़ी हमारे ट्रांसपोर्ट वाले नहीं आए क्या यार? शेख ने अभी तक डिलीवरी नहीं की है, बोला है कि सबसे पहले तुम्हारा ही ना अनपैक करेंगे, बट यार अभी तक तो कुछ आए नहीं यार, यहाँ पे कलेक्शन दिख नहीं रहा है। और ये वाले सारे कार मैं सेल करने वाला हूँ भाई, बहुत ज़्यादा महंगे में, तो क्योंकि ना अभी हमारे पास 3 थार हो चुके हैं जहाँ से मैंने कहने के ना मेंशन से चुराए थे। तो यार यहाँ पे तो कोई भी नहीं है यार, मुझे लगा ना आ चुके थे, मैं बोला देख लेते हैं, बट इधर तो कोई भी नहीं है। चलो फिर हमारे मेन गेट से निकलते हैं, क्योंकि ना फिर वहाँ से रास्ता नहीं है, अभी कंस्ट्रक्शन काम चालू है भाई, आधा ही काम हुआ है। और यहाँ पे एक सेकंड, ये कौन है यार, ये क्या था भाई, ये क्या ग्लिच हो गया क्या कुछ, ये आदमी क्या कर रहा है इधर भाई? तुम लोग सिक्योरिटी के नाम पे क्या हो यार, मारो उसको, अब क्यों मार रहे हो मेरे देखने के बाद मार रहे हो? वो बंदा अंदर बैठ के कर क्या रहा है, इसको मारो यार, विदाउट एंट्री के घुसा कैसे? ये क्या ही सीन है यार, तुम लोग को पता ही नहीं वो पीछे से दीवार से ना घुस के आया ऐसे? अगर ऐसे चलता रहा ना फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरे को अभी कैमरे लगाने पड़ेंगे। अभी हमारा हैकर तो आ चुका है, अभी मुझे कैमरे लगाने पड़ेंगे यार, इस कैमरे के बगैर ना काम नहीं चलेगा। ये लोग सिर्फ रोड पर देख रहे हैं, राइट से कोई भी आ रहा है एंड अपना काम करके चला जाएंगे ना, मेरे तो लग जाएगी। तो अभी हमारे पास हैकर तो आ चुका है, और अभी ना मेरे को फटाफट से कार लेने जाने हैं एंड ना बहुत कुछ करना है। तो चलो मैं इसको पार कर दूँ यार, फटाफट से ना इसको पार कर देते हैं, क्योंकि ना फिर अब हमें वेट करना है, हमारे जो हमने कार ऑर्डर की है ना उसका वेट करना है। एंड जो रेड निंजा है ना वो अभी बनकर ही पी है, ठीक है ना? आप लोग सोच रहे होंगे रेड निंजा कहाँ गया, बट रेड निंजा बन करके मैंने सारी निंजा सिक्योरिटी एंड थोड़ी मॉन्स्टर सिक्योरिटी वहाँ पर ही मैंने सिक्योरिटी के लिए रखी है। तो चल यार मिस्टर के, तू इस हैकर को लेके रूम में जा एंड इससे थोड़ी बातचीत कर ले, इसको सारा अपना सेटअप बता दे, क्या काम करना है, कुछ गलत हरकत मत करना, बस उसको सारा जगह बताना जो भी इंफॉर्मेशन है। तो चलो यार हैकर, तुम जाओ एंड अपना काम करो और मेरे को अपना काम करने दो, और कुछ गलती मत करना, भरोसा कर रहा हूँ भाई, कुछ गलत काम ना करना भाई। चलो यार भाई, शक्ल से तो भाई बढ़िया लग रही है, बट लग रहा है ना धोखा भी हो सकता है गाइस। तो चलो यार ये दोनों जा रहे हैं, फटाफट से मैं भी ना इधर से अभी वेट करता हूँ, कब तक ना हमारा कार के कलेक्शन जो भी हमने परचेज़ किए कब तक आते हैं, एंड फिर आपको वहाँ पे मिलते हैं, क्योंकि ना अभी बहुत ज़्यादा ही टाइम हो चुका है, और अभी ना आने चाहिए थे बट अभी तक आए नहीं है। तो यार कुछ गड़बड़ ना हो यार अभी फटाफट से, मेरे को डर लग रहा है अगर कुछ हो गया ना प्रॉब्लम भी हो जाएगी, क्योंकि इतने ज़्यादा मैंने महंगे कार्स खरीदे ना सारे गोल्ड की डील करके। तो अभी मेरे को रोड पे जाना पड़ेगा, फिर ना अभी आपको दिखाता हूँ वहाँ से मैं कि यार मिला ही कि नहीं। तो सारे के सारे गाइस, आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही तो ज़रूर बताना वीडियो कैसे लग रही है, एंड वीडियो को प्लीज़ पूरा वॉच करना, उससे मेरे को हेल्प मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगी, एंड मैं ट्राई करूँगा वीडियो अच्छी स्टोरी बना सकूँ। तो यार गाइस मेरे को ऐसे सपोर्ट करते रहना एंड लाइक करते रहना, थैंक्स फॉर। ऑल राइट गाइस, यहाँ पे ना दुबई का मैनेजर आ चुका है, मतलब जो हमने जिससे बाय किया ना उसका मैनेजर इधर आ चुका है, एंड इसको हम लोग फटाफट से बोलते हैं बाय बाय, एंड हम लोग को भाई कार चेक करने हैं। एंड ये देखो गाइस किस वाले कार में आया है, मतलब इसका मैनेजर इतनी खतरनाक वाली ना लैम्बोर्गिनी में घूम रहा है यार, मतलब देख रहे हो यार, यार बढ़िया है, मतलब ख़तरनाक है ना गाइस, देख रहे हो एकदम बढ़िया है। तो यार देख रहे हो फुल स्पीड में, और भाई देख रहे हो उसने बोला है कि ना यार हम लोग बाद में लेके चले जाएंगे जितने भी ट्रेलर्स हैं, अभी तुम ना इसको रख लो अगर तुम्हारे हिसाब से, अगर तुमको भाई ट्रांसपोर्ट करना है। तो मैं बोला ठीक है, तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने क्या क्या ना ऑर्डर किया, हमने वैसे देखा है आपने देखा है बट फिर भी ना मैंने क्या क्या चूज़ किया आप लोग बताना, अगर आप लोग भी बोलते हो आप कुछ और भी वहाँ पर कार पसंद आई हो तो बोल देना, वो भी मैं कार वहाँ से मंगवा लूँगा। अभी जो मेरे को फ़िलहाल आपने बोला वो मैंने परचेज़ तो कर लिया हूँ, एंड यहाँ पर देख रहे हो मैंने सिविक मेरे को पसंद आई थी खुद,
एंड रेंज रोवर एंड डिफेंडर एंड बहुत सारे आपने बोला है वो मैंने ले लिया। तो ये रही रेंज रोवर हमारे सिक्योरिटी के लिए एंड ये भी सिक्योरिटी के लिए, और GT मस्तांग ये मेरे लिए भाई। और यहाँ पे डिफेंडर मैंने 2-3 लिए, रेड कलर में मंगाई है देख रहे हो। और यहाँ पर देख रहे हो बिल्कुल ही गाइस, यहाँ पे लैंड क्रूजर भी है, बिल्कुल ही सही है गाइस, ये भी बढ़िया है, ये भी हमारी डिफेंडर ही है, आई थिंक डिफेंडर ही है ना, चलो ये वाली भी डिफेंडर ही है, बढ़िया है बढ़िया है, एकदम ही बढ़िया है। फटाफट से ना भी आप देख सकते हो यहाँ पे भी सारे के सारे। और ये वाली मर्सिडीज़ भी मैंने बाय की है, रॉयल रॉयस वाली मर्सिडीज़ है, पता नहीं सॉरी मैंने कुछ गलत बोल दिया तो सॉरी, आई थिंक मैंने 2 कार का कलेक्शन कंबाइन कर दिया हो। तो चलो यार ये भी मेरे को कुछ बढ़िया लगी, एंड ये वाली कार्स मेरे को बहुत पसंद आई थी, बट ये भी मैंने ले लिया हो, बढ़िया वाली कार है। एंड ये देख रहे हैं एक और गाइस डिफेंडर, इधर बढ़िया सी डिफेंडर है, चलो यार डिफेंडर ज़्यादा ही खरीदा हूँ क्योंकि ना हमारे सारी सिक्योरिटी को मिलना चाहिए, अभी जो भी हमको बोलेंगे जो पसंद आएगा उसको हम दे देंगे। एंड ये कार्स भी मेरे को बेचनी है, जो भी मेरा डबल डबल कार्स है ना उनको मैं सिंगल सिंगल करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी इतने कार्स को रखेंगे कहाँ पर, 3 थार हो चुके हैं फालतू के एंड जो मैं चलाता नहीं हूँ। एंड ये देख रहे हो GT मस्तांग यार, मतलब OP लेवल है भाई, देख रहे हो इसका मतलब आवाज़ देख रहे हो, इसका आवाज़ भी एकदम बढ़िया है एंड सब कुछ ना बढ़िया है। तो भाई एकदम देख रहे हो मतलब ख़तरनाक लेवल है, देख रहे हो। चलो फटाफट से ना हम लोग क्या करते हैं इसको चला के एक बार टेस्टिंग कराते हैं, इसका आवाज़ एक बार देख रहे हो, इसका एक बार आवाज़ देख रहे हो, मतलब क्या ही सीन है, बहुत ही सही चल रही है, एकदम बढ़िया वाली फीलिंग आ रही है, एकदम भी बढ़िया वाली फीलिंग देख रहे हो, बहुत सही बहुत ही सही गाइस, बढ़िया चल रही है। इसकी स्पीड इतनी खास नहीं है बट हैंडलिंग बढ़िया है, हैंडलिंग भी बहुत बढ़िया है। एंड चलो यार सब कुछ सही है, बहुत ही बढ़िया कार से। अभी ना मेरे को कॉल करना पड़ेगा हमारे कमांडर्स को, मतलब जो भी है ना रेड निंजा और मिस्टर के को बुला के देखता हूँ तुमको कौन सी कार पसंद आई है, फिर उनको वो वाली कार दे देंगे। सो यार ठीक है यार, आपको कैसी लगी मेरे ज़रूर बताना। एंड ये वाला गैरेज कैसे लगा है भाई, बहुत मुश्किल से बना है, बहुत ज़्यादा ही पैसा लगा है, इतना पैसा खर्च हो गया ना आज, मतलब आज लग रहा है कि सारा का सारा मैंने इतना वैसे ख़रीदा है, मतलब लूटे हुए पैसे से ख़रीदा है, बट कोई बात नहीं अभी पैसा तो और है क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा गोल्ड लूट किया है ना भाई साहब कसम से, मज़ा ही आ गया। तो चलो यार अभी ना टाइम आ चुका है कॉल करने का, एंड उनको बुला लेते हैं रेड निंजा को, एंड बाद में वो खुद दोनों को मैं बोल दूंगा जो भी आपके बंदे हैं उनको जो पसंद आई है। चलो यार कॉल मैंने कर दिए और ना रेड निंजा ये आते होंगे एंड देखते हैं उनको क्या पसंद आती है। सो चलो यार ये लोग आ चुके हैं फाइनली, यार रेड निंजा आ चुका है भाई अपने सीक्रेट बनकर से, एंड ये तो मिस्टर के पिछले वाले रूम में था, पता नहीं क्या कर रहा था यार, मैंने उसको फ़ोन किया बट ना लेट हो रहा है, पता नहीं रेड निंजा वहाँ से आ गया बट ये टाइम क्यों लगाया मुझे समझ नहीं आया, चलो कोई बात नहीं। और भाई मिस्टर रेड निंजा तू अपनी कार चेक कर ले, जो कार चाहिए भाई वहाँ पर चला जा, वो कार मैं तेरे गिफ्ट कर दूँगा, मतलब ये तुम्हारे लिए कार है क्योंकि तुम लोग ने मेरी इतनी अच्छी हेल्प की। अरे मिस्टर के तू कहाँ जा रहा है, तेरे को तो अभी बोला ही नहीं है। अरे यार मिस्टर के यार मतलब नोटी हो रहे ऐसे, क्या ही कह रहे, खुद ही जा रहा है भाई, चल कोई बात नहीं कोई बात नहीं भाई, तू ले ले भाई। यार मिस्टर रेड निंजा भाई यार इसको वो बोल रहा है ना, रेड निंजा बोल रहा है मेरे को कार नहीं चाहिए, मतलब अरे यार तुमको चाहिए ना कार, तो सेफ्टी के लिए चाहिए यार, ये देख रहे हो सब कुछ देख रहा है बट रेड निंजा बोल रहा है कि नहीं यार आपको जो पसंद आए वो दे दो। तो यार ठीक है एक काम कर डिफेंडर ही ले लो तुम, अभी ये कुछ बोल ही नहीं रहा तो भी क्या ही करें, मिस्टर के तो यार बराबर सारे कार देख रहे हैं। तो अभी रेड निंजा को हम लोग वाइट वाली ना ये गिफ्ट कर देते हैं, चलो डिफेंडर ही गिफ्ट कर देते भाई, ये बढ़िया होगी तेरे लिए, तेरे पे सूट भी करेंगे डिफेंडर, बाकी की कार तेरे पे सूट नहीं करेंगे। तो यार ये कार तेरे को बढ़िया लगेंगे, एक बार चला के देख लेना। ये बोल रहा है यार ठीक है यार आप जो बोलो हम वही आपका कमांड फॉलो करेंगे, बट मिस्टर के का अपोजिट है यार, वो बोल रहा है मैं खुद चेक करूँगा, बट चलो कोई ना यार मजाक कर रहा है थी। चल भाई फटाफट से आप अपनी गाड़ी पकड़ लो, एंड मिस्टर केन भी आई थिंक अपनी गाड़ी पकड़ ली है। चलो यार फटाफट से ना हम लोग
अपना अपना गाड़ी का टेस्टिंग करवा लेते हैं। फटाफट से ना अपनी कार्स को हम लोग टेस्ट करवा लेते हैं। यहाँ पे ना गाड़ी का यार रास्ता भी होना चाहिए, अभी इतने कार्स हो गए ना यार। मैं आप लोग बताना, ये सारे के सारे कार मैं सेल कर दूँ क्या? मतलब जो भी थार है, जो भी ओल्ड कार्स है हमारे, उसको ना वो कर दे क्या? चलो यार भाई, मिस्टर के को भी डिफेंडर ही पसंद आई है। लोल यार, सबको ही डिफेंडर पसंद आ रही है। तो अभी फटाफट से रेस करनी है हमको, अभी चेक करना है किसकी स्पीड ज़्यादा है। फटाफट से हम लोग स्पीड चेक कर लेते हैं कौन फास्ट है। ऑल राइट गाइस, यहाँ पे ना हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं कि कौन सी कार फास्ट है। एंड यहाँ पर देखो रेड निंजा, भाई साहब रेड निंजा देखो भाई, इतनी स्पीड कैसी हो गई डिफेंडर की। ये जो कार है ना सामने वाली, मॉडिफाइड की थी, मिस्टर शेख ने मेरे को बोला था। वो कार देखो भाई कितनी स्पीड में जा रही है कसम से। ओ भाई भाई भाई, भाई साहब। और यहाँ पे ना गलती से मेरा गाइस ब्रेक दब गया था, एंड मेरे सामने से वो गाड़ी चली गई क्योंकि ना मैं गलती से ब्रेक दबा दिया वहाँ पर, एंड मेरी कार रुक चुकी थी। यार वो भी आगे चला गया, मिस्टर के मेरे पीछे से आगे चला गया। और ये डिफेंडर देखो जो रेड निंजा चला रहा है ना भाई, भाई साहब मतलब देख रहे हो इतनी स्पीड लग रहा है, रेस वही जीतने वाला है भाई साहब। ये देखो इसको मैंने कर दिया, चल हट भाई पीछे हट भाई, क्या ही चला रहा रेड निंजा भाई। 300 की स्पीड होगी भाई इसकी, 250 की स्पीड है पर पक्का नहीं, चलो 200 की है भाई। चल तेको भी टेक ओवर कर दिया भाई, जीटी के सामने कुछ नहीं भाई, खतरनाक कार है भाई अपने पास। चलो एक अपना यहाँ तक ये रेस लगाई थी, इधर रुक जाना सब लोग, इधर ही मैंने बोला था इनको। चलो ये तो रुक चुके हैं, अभी फिर से एक बार हमको ना रेस लगानी पड़ेगी। अभी ना मेरी भी बोल सकता यार, आपको कैसे लग रही है बताना भाई। मेरे को ये बहुत पसंद आ रही है जीटी वाली भाई, ये बढ़िया है यार, ये तो बहुत ज़्यादा ही बढ़िया वाली कार, मज़ा ही आ चुका है। बट डिफेंडर जो स्टार्टिंग में भाई पकड़ी ना रेस, भाई साहब स्टार्टिंग में भाई खतरनाक वाली स्पीड पकड़ रही है वाली कार। अपनी जो स्टार्टिंग में ना वो इतनी खास नहीं पकड़ रही है, मतलब टाइम लग रहा है उसको। बट जो डिफेंडर है ना उसके पास भाई स्टार्टिंग में मतलब पकड़ ले रही है। तो यार चलो हमने सारे ना सिक्योरिटी को काम दे दिया। चलो यार अभी तू एक काम कर, फिर से एक रेस लगाते आ जाओ, इस बारी साला मैं जीतूंगा। रेड निंजा बोल रहा है चलो आ जाओ। तो यार अभी रेस लगा दिया अपना भाई, कुछ नहीं होगा, अब इनका गेम ओवर करना है। अभी आज का काम हो चुका है, हमारे सारे सिक्योरिटी को हमने गिफ्ट कर दिया, एंड भाई साहब सारे सिक्योरिटी गार्ड्स खुश हो जाएंगे। और यार चलो यार यहाँ पे छोटी मोटी रेस लगा दिया, एंड भाई देख रहे हो मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में जो रेस पकड़ रही ना वाली कार भाई अलग ही लेवल है, देख रहे हो भाई। दोनों ही आगे चले गए, मेरी बेइज्जती करवाएंगे कसम से यार, कसम से मेरी बेइज्जती फुल मैक्स हो रही है इधर। चल चल यार फटाफट से इसको कर दिया ओवरटेक, एंड चल भाई थोड़ा और भाई मेरे निंजा की हालचाल पीछे ही है यार। ओके आ जाओ मेरे पीछे आ जाओ। अरे यार आगे चला गया यार, ये पता नहीं यार क्या सीन है, पर बढ़िया कार है। चलो अपनी कार है डिफेंडर, अपन भी चला लिया करेंगे, गिफ्ट किया तो कोई बात नहीं। उनको मैंने बोला है अपने फैमिली के लिए यूज़ करो, जहाँ जाना है वहाँ यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यार तुम्हारा गिफ्ट है यार, तुम प्राइवेट जो करना है कर सकते हो। ठीक है चलो यार फटाफट से ना हम लोग इधर इनको मेनली मेंशन पे, मैं आ चुका हूँ फर्स्ट, क्योंकि अपने पास है स्पोर्ट कार, वो भी वैसे ही बढ़िया कार है, मतलब गैंग्स के लिए ऐसे सबको मिल के लिए, इसके लिए दो आ सकते हैं। ओ भाई फाइनली पहले आ चुका हूँ, एंड रेड निंजा ना ओपी कार चला रहा है, बहुत ज़्यादा ही ओपी चला रहा है रेड निंजा। मतलब यार रेड निंजा तो ऑलराउंडर निकला है, हर चीज़ में एक नंबर है। अभी यार हमारे सारे सिक्योरिटी गार्ड खुश हो चुके हैं, क्योंकि अभी मैंने 4-5 डिफेंडर ऐड किया आपने देखा है, एंड उनको कुछ जो बाकी के तो यार मजा आ गया देंगे, एंड जो भी बचा है कुछ फटाफट से। यार अभी यार मेरा कहा इनको कॉल करके पूछ लेता हूँ, जो शेख है या मैनेजर है ना यार, मेरे कार आने वाले थे अभी तक गाइस, हमने जो और भी कार्स ऑर्डर किए वो अभी तक आए नहीं है यार। तो यार फटाफट से मैं इसको कॉल करता हूँ, एंड पूछता हूँ यार क्या सीन है क्या नहीं है। ऑल राइट यहाँ पर ना बातचीत हो चुकी है, एंड भाई साहब वो बोल रहे हैं कब से हमने ना उनके साथ ही वो वाली कार्स को ट्रांसपोर्ट डिलीवरी कर ली थी, बट अभी तक वो वाली कार आए नहीं यार। चलो फटाफट से यार सब दोनों मिल के ना मेरे पीछे आ जाओ। यार ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब उसमें मेरे लैम्बोर्गिनी सियान थी गाइस, मैं बोला आपको सरप्राइज करूँगा, $100 million की मैंने खरीदी, एंड भाई साहब अभी तक आई नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है। एंड इसमें दो गाइस लैम्बोर्गिनी थे, वो भी खतरनाक वाली,
तो यार फटाफट से चलो यार, जल्दी से ना मेरे को जाना पड़ेगा यार, अगर कुछ हो गया ना भाई। भाई 100 मिलियन देके खरीदिए भाई, मजाक थोड़ी है। लैम्बोर्गिनी सियान है भाई साहब, मेरे पास तो अब पैसे भी नहीं है, अब तो मैं कुछ खरीद भी नहीं सकता हूँ। अभी पैसे है बट अभी मेरे खर्चे को लगेंगे ना गाइस, हमारे सिक्योरिटी को, मेंटेनेंस, सब कुछ। तो यार चलो फटाफट से ना आपको मिलते हैं लोकेशन की ओर, एंड देखना है क्या होता है क्या नहीं। ऑल राइट गाइस, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं थोड़ी दूर, एंड यहाँ पर एक सेकंड ये क्या है भाई, लैम्बोर्गिनी सियान इसमें आ रही थी मेरी स्पेशल वाली गाड़ी में, और ये क्या, एक को गोली लगी है एंड एक इंजर्ड है भाई, यहाँ पर देख रहे हो एक मर चुका है और एक जिंदा है गाइस। यार ये तो सिक्योरिटी वही है ना जो वहाँ पर खड़ी थी, लग रहा है इसी में हमारी लैम्बोर्गिनी सियान आई थी यार। यस ये वही बंदा है गाइस, हाँ वो सामने गेट के पास खड़ा था, यहाँ पर देख रहे हो इसको ना गोली लगी, अभी जिंदा है। ओ भाई यहाँ पर इसमें से कार खा गई मेरी लैम्बोर्गिनी सियान भाई साहब। यार फटाफट से ना मेरे को जाना पड़ेगा, एंड इससे मैं बातचीत करता हूँ थोड़ी सी, देखता है क्या बोल रहा है ये भाई। ये बोल रहा है ना, ये मेरे को एक ही लोकेशन बता रहा है बार बार, ह्यूमन लैब कर रहा है भाई। ये ह्यूमन लैब किधर है, चलो फटाफट से देखते हैं भाई साहब। ये बोल रहा है ना ह्यूमन लैब, पता नहीं क्या बोल रहा है। गोली लगने के वजह से मेरे को कुछ इसका आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा था, आई थिंक ये ह्यूमन लैब बोलना चाहता है। ह्यूमन लैब होता है ना यार लॉस एंजेलिस में, तो ह्यूमन लैब एक ही है यार। ये पता नहीं, मेरे को लग रहा है पता नहीं ह्यूमन लैब कर रहा था। मैं बोला यार क्या है ये, मेरे को अब समझ आया कि ह्यूमन लैब है, मतलब तो रिसर्च सेंटर पर जाना पड़ेगा। बट रिसर्च सेंटर वालों ने मेरी कार की चुराई यार, ये क्या है, मतलब कुछ भी यार ऐसे कैसे होगा भाई साहब। चलो यार वो कह रहा है, उसने सुना है कि यार वो कुछ कह रहे थे, सो यार चलो फटाफट से ना यार जाते हैं, एंड देखते हैं यार ह्यूमन लैब सच में क्या होता है क्या नहीं होता है, पता नहीं यार। वो बोल रहा है उसने बात सुन ली थी कुछ, एंड वही मैं आपको कह रहा हूँ, बट वो जिंदा है, बट चलो अच्छी बात है, अगर मर गया तो पता भी चलता नहीं। चलो फटाफट से आपको लोकेशन की ओर ही मिलते हैं गाइस। ऑल राइट गाइस, यहाँ पे ना हम लोग ह्यूमन लैब पे आ चुके हैं, जहाँ पर रिसर्च सेंटर है। यहाँ पर देख रहे हो ह्यूमन लैब्स एंड रिसर्च। तो यार ये मेरे को कुछ मेल नहीं आया कि यार ये ना इधर मेरी कार क्या करेंगे, बट यार मेरी लैम्बोर्गिनी सियान है इसलिए मैं आया हूँ, वरना मैं आता भी नहीं। एक सेकंड, यहाँ पे तो मेरी कार नज़र तो नहीं आ रही मेरे को, यहाँ पर तो कोई कार नहीं है। लोल हो गया क्या मेरे साथ, मेरे को उल्लू तो नहीं बना दिया ना उसने, बट वो तो मिस्टर शेख का ही मैनेजर था जो ट्रांसपोर्ट कर रहा था। यहाँ पर कोई रास्ता भी नहीं है, एंड कार होनी चाहिए। हम लोग यहाँ पे आके करेंगे क्या, किससे बातचीत थोड़ी करेंगे, पुलिस स्टेशन थोड़ी ना। सो यार अभी ना चलो, यहाँ पर मेरे को राइट में एक रास्ता नज़र आ रहा है, वहाँ पे चले जाता हूँ। यहाँ पर एक गैरेज नज़र आ रहा है मेरे को, आई थिंक यहाँ पे होना चाहिए। रेड निंजा बोल रहा है चलो एक बार जाके देखते हैं, चल भाई जाके चेक कर लेते एक बार। एक सेकंड, यहाँ पे भाई गोली की चला रहे हैं भाई, क्या हो गया यार, गोली चला रहे भाई, इनको भाई निपटाना पड़ेगा भाई। हम तो हमारी कार लेने आए सालों, रुक जाओ चिमकांडी है कौन, ये छपरी लोग है कौन भाई, भाई साहब कितने लोग हैं भाई, हम तो अकेले आ चुके हैं, बट कोई ना हमारे साथ रेड निंजा जाए तो यार इनकी बैंड बजाने में टाइम नहीं लगेगा। तो एक सेकंड भाई, चल बेटा तू भी ले ले, चल गया भाई तू भी गया, साले पंगा ले रहे हमसे भाई, एक पीछे भी था। चलो इनका भी गेम ओवर है, साला कर क्या रहे हो तुम इधर, मतलब इधर ह्यूमन लैब रिसर्च चल रहा है कि गैंग रिसर्च चल रहा है इधर, यहाँ पर चल क्या रहा है भाई। ये देख रहे हो मेरे लैम्बोर्गिनी सियान, ओ भाई ये ह्यूमन लैब के नाम पे यार यहाँ पे तो गैंग प्रमोशन हो रहा है, चोरी हो रही है, डाका डकोटा कर रहे हैं ये लोग, साले है कौन। चल भाई तू भी ले ले भाई, ये मेरे को लग रहा है ये कोई मामूली आदमी नहीं है गाइस, यार ये किसी बड़े आदमी का काम लग रहा है। एक सेकंड, ये मास्क में कौन है भाई, ये मास्क पहना आदमी कौन है ये, मेरे को
कहीं जान भी पहचान सा लग रहा है, बट मेरे को याद नहीं आ रहा ये बंदा है कौन, इसने मास्क क्यों पहना है वैसे। भाई कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को, ये बंदा मास्क क्यों पहन रहा है। चल भाई ख़त्म है। एंड वो भाई इतने कवर में खेल रहा है, इतना बढ़िया, मतलब देख रहे हो उसे कुछ हो ही नहीं रहा, मतलब चल भाई तू गया। भाई मास्क वाला बंदा कहाँ गया, मास्क वाला भाई देख रहे हो क्या ये, मतलब भाई प्रोफेशनल लग रहा है ये तो, ऐसे लग रहा है रोज फाइटिंग करता हूँ भाई अपनी तरह ही, माफिया है भाई। यार ये भाई रेड निंजा देख के जाना, वो बंदा तगड़ा है ठीक है ना भाई। ओ भाई मर नहीं रहा भाई, रेस पे नहीं गया भाई, आराम से रेड निंजा, कुछ हो ना जाए तेरे को भाई, तगड़ा बंदा लग रहा है वो भाई साहब। बहुत ज़्यादा ही कवर में खेलना पड़ा। एंड एक सेकंड गाड़ी में बैठ कर क्या जा रहा है, अरे साले रुक। अरे मैं गाड़ी भी मार भी नहीं सकता हूँ यार, 100 मिलियन की जो है यार। यार गाइस इसने मास्क पहना था यार, इसने वेस्ट भी पहनी, इसको सब पता था मैं आने वाला हूँ, ये क्या सीन है उसने, इसलिए वो बंदे को मारा नहीं यार, उसने मेरे लिए ट्रैप बिछाया था। बट भाई साहब यार अभी मैं क्या करूँ यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरी कार कहाँ चली गई यार, मैं लोल में कार पीछे छोड़ाया। एंड ये टट्टी कार से तो मैं लग भी नहीं रहा उससे पीछा कर पाऊँगा, इसकी स्पीड 200 होती है, एंड लैम्बोर्गिनी सियान की 300 होती है, ऑलमोस्ट 300 या 400 तक जाती है। अगर ये कार से पीछा करता हूँ तो भाई ज़िंदगी में पहुँच तक नहीं पाऊँगा यार। अभी मेरी GT वाली कार भी पीछे रह गई, मैं मुझे लगा यहाँ पे पार्क किया है, बट देखा तो इधर ही थी यार। मोय हो गया बिल्कुल ही मेरे साथ यार, कार तो मेरे हाथ लगी नहीं यार, रेड निंजा स्कैम हो गया हमारे साथ यार, पूरा ही ट्रैप था यार, पूरा ही ट्रैप था भाई। रेड निंजा उधर कहाँ जा रहा है, अभी उधर कोई नहीं है। एक सेकंड यहाँ पे कुछ लोग की आवाज़ भी आ रही है। रेड निंजा भाई पंगा मत ले कोई, मेरे को लग रहा है इसके और भी लोग जिंदा है यार। ये मास्क में बंदा था ना, ये लग रहा है लीडर था भाई। यार रेड निंजा ओपी यार, रेड निंजा ओपी यार, सारे के सारे बंदे यार रेड निंजा ओपी लिख दो, ये लास्ट चेक पॉइंट है, रेड निंजा ओपी लिख देना। चल भाई तू भी खत्म है, चल भाई सारे के सारे 4 चेक पॉइंट लिख देना एक ही बार, एक ही कमेंट में लिखना ठीक है, एक ही कमेंट सेक्शन में एक ही बार 4 के 4 लिखना, अलग अलग कमेंट मत करना क्योंकि मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है फिर सबको शॉर्ट आउट देने में। चलो भाई यहाँ पर गाइस ख़त्म है भाई, इनको भी निपटा देता हूँ। साले ये लोग देख रहे हो कहाँ से फायर कर, चल बेटा तू भी ले ले, चल चल निकल निकल तू भी निकल। गजब है भाई, ख़त्म है इनका गेम, ख़त्म है, सालों को गेम दिखाना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो, एंड आई होप कि आपको स्टोरी बढ़िया वाली पसंद आएंगी, अभी आगे जाके और भी बढ़िया बढ़िया स्टोरीज आते रहेंगी, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि यार फुल ना कोशिश करूँ आपको एंटरटेन करने की। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको नहीं आ रहे तो मेरे को सजेस्ट करना क्या क्या मैं करूँ एंड क्या नहीं करूँ। चल इनको निपटा दूँ, सालों को चल तू भी निकल। एंड इस वीडियो को लाइक करके 1.5K लाइक्स का तो यार प्लीज़ कंप्लीट करवा देना, मोटिवेशन मिलती है एंड ऐसे वीडियो बनाने में भाई पूरा दिन या रात चली जाती है, 1, 2, 3, 4 दिन चले जाते हैं, आपको पता है भाई ऐसे वीडियो बनाने में। तो यार थोड़ी मेहनत के लिए लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड मेरी हेल्थ भी थोड़ी सी डाउन थी बट कोई बात नहीं, आई होप आप समझोगे। एंड मैं बढ़िया वाले वीडियोस फ्यूचर में लाने की कोशिश करूँगा। तो यार अभी ना यार चलो यार, लग रहा है सब मर चुके हैं। चल रेड निंजा भी अभी स्कैम हो गया अपने साथ, 100 बिलियन की कार, सॉरी बिलियन नहीं मिलियन की कार चोरी हो गई। एंड एक कार यहाँ पर है, पता नहीं किसकी कार है भाई, हुबहुबी यार ये कार तो वैसे ही है लैम्बोर्गिनी सियान जैसी है, बट इसका डुप्लीकेट कार है लग रहा है ना, ये कलर मार के मेरे को वापस करने वाला था, ऐसे ही कुछ था भाई। यार खुल जा सिंसम, जल्दी से खुल जाओ रेड निंजा, जल्दी से खोल दे उसको कैसे भी करके, खोल फटाक से। जो पता नहीं यार कौन सा बटन दब गया, वो खुल ही नहीं रहा। चलो रेड निंजा खोल रहा है वहाँ से, एंड फटाफट से निकलते हैं। अभी ना रेड निंजा खोल दिया, चलो खोल दिया। अभी तो मेरे GTX में GTR में बैठ जा, सॉरी जो भी नाम है गाड़ी का यार, GTA मस्टैंग कार का नाम भूल जाता हूँ बार बार। एंड फटाफट से इधर से निकलते हैं जल्दी से, चल वरना ये गाड़ी भी चोरी हो जाए ना, प्रॉब्लम हो जाएगी। चलाना आती ना रेड निंजा, अब भाई उसको सब आता है वैसे तो, मैं मजाक कर रहा हूँ। एंड फटाफट से निकलते हैं, एंड भाई सब अपने महले भी मेंशन पर जाते हैं। एंड लेस्टर के पास जाना पड़ेगा यार, अब लेस्टर के पास जाना पड़ेगा अभी फिर से ना, वैसे हमारे पास एक हैकर है तो यार वो भी काम आएगी। चलो यार उसको मैंने बढ़िया किया हमारे घर में रख के, अभी ना वो हमें सारी इन्फॉर्मेशन दे सकती है, अभी हमारे कार कहाँ गई है, उसमें ना लोकेशन GPS ट्रैक भी लगा है, तो भी हम लोग शेख के पास जाके ना वो ID मतलब जो होती है ना उसमें GPS ट्रैक भी कर सकते हैं। तो यार चलो यार फटाफट से ना हम लोग को इस वीडियो को यहाँ पे एंड करना पड़ेगा, लगता है 1 घंटे की वीडियो हो चुकी है।
तो यार अभी नेक्स्ट वीडियो हम लोग डालेंगे जल्द से जल्द, संडे के दिन वीडियो आएंगी, तो जब आप लाइक कर देना मैं फटाफट से वीडियो डाल दूंगा, एंड लाइक करो सब्सक्राइब करो, एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।